खरगोन शहर के बसाहट से चली आ रही व्यवस्था आज भी जस की तस होने से बढ़ती विकास कार्यों की मांग के बावजूद ठोस पहल नहीं हो पा रही है। इससे अवरुद्ध हो रहे शहर के विकास को देखते हुए ज्वलंत मुद्दों के निराकरण के लिए खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति का गठन किया गया है। समिति सदस्यों ने गुरुवार को शहर हित में समिति द्वारा उठाए जाने वाले कदम की जानकारी पत्रकारों से साझा की। समिति अध्यक्ष डॉक्टर भागीरथ कुमरावत, सचिव डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, संरक्षक प्रकाश रत्न पारखी ने बताया कि समिति में दलीय मोह से ऊपर उठकर शहर के बुद्धिजीवी लोग सदस्य हैं। शहर के विकास की पहली कड़ी में 3 दिसंबर को बनने वाली नई सरकार नए विधायक के समक्ष 18 बिंदु रखे जाएंगे जो शहर के हित में होकर जरूरी हैं। डॉक्टर कुमरावत ने कहा कि समिति ने जो बिंदु तैयार किए हैं वह करीब 6 माह की रिसर्च के बाद तैयार किए हैं। समिति के कार्यालय मंत्री रवि जायसवाल ने बताया कि इन बिंदुओं को जमीनी स्तर पर अमल में लाने को लेकर समिति जो प्रयास शुरू करेगी वह जनता के हित में होंगे और इसे पूरा करवाने के लिए जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़े तो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। और वो रिंग रोड से शहर के ये सारे रोड से जोड़े जाते हैं ताकि आवागमन का साधन ठीक से व्यवस्थित हो। दूसरा, यहाँ 2 हाईवे क्रॉस होते हैं, भुसावल चित्तौड़ और खंडवा बड़ौदा, और इन दोनों हाईवेज हमारे शहर के बीचों बीच से होकर जाते हैं। अगर कहीं कुछ थोड़ी सी घटना दुर्घटना हो जाती थी, हाईवे जाम हो जाते हैं और खरगोन से इस पार से उस पार जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। इसलिए बाईपास, रिंग रोड, मास्टर प्लान, अगर मास्टर प्लान होता है तो जो जितना भी ये ट्रक और ट्रांसपोर्ट एरिया है ये भी शहर के बाहर जाता है। इसके कारण आज क्या है, न होने के कारण कि सारे ट्रक शहर के अंदर आते हैं, शहर के अंदर पार्क होते हैं और सारे ट्रांसपोर्ट के गोडाउन वगैरह भी शहर के अंदर होने के कारण बहुत परेशानियां हैं। इसलिए मास्टर प्लान पर हम विचार कर रहे हैं कि वो बनना चाहिए और शहर का हर एक नागरिक उसमें सहभागी बने, अपने अपने सुझाव दें और शासन प्रशासन या जिला कलेक्टर इस मास्टर प्लान को बनाकर फाइनल रूप देकर इसको क्रियान्वित करें। दूसरा, शहर के चारों तरफ अतिक्रमण की चपेट में है। मैं समझता हूँ कि खरगोन में केवल एक ही ये चौराहा है, गायत्री मंदिर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ एक लाल बत्ती है, बाकी किसी चौराहे पर लाल बत्ती लगाने का प्रयास भी किया चली नहीं, क्योंकि वहाँ अतिक्रमण है और अतिक्रमण होने के कारण उन चौराहों पर बड़ा जाम सा लगा रहता है। इसलिए 5-7 चौराहे बड़ी मुश्किल से, उन 5-7 चौराहों को अगर अतिक्रमण हटा दिया जाए, लाल बत्ती लगा दी जाए, थोड़ा ट्रैफिक सेंस लोगों में जागरूक किया जाए तो शहर थोड़ा ठीक बनता है। इसी प्रकार प्रमुख मार्ग, हमारे पास 4-5 प्रमुख मार्ग हैं, विशेषकर ये सनावत रोड, खंडवा रोड और प्रतिष्ठान रोड, इन तीनों मार्ग पर अतिक्रमण है, तीनों मार्गों पर अतिक्रमण, ये अतिक्रमण हटना चाहिए और ये रोड नाके तक, खरगोन से लेकर नाके तक 4 लेन बनना चाहिए और 4 लेन के साथ साथ इसमें एक सर्विस लेन बनना चाहिए। अगर सर्विस लेन ही बनती है तो 4 लेन का कोई मतलब नहीं। आज सनावत रोड 4 लेन है परंतु सर्विस लेन न होने के कारण वो लोग आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ जिनाइन मुद्दे हमने उठाए हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, पशु चिकित्सालय कहाँ है, शहर के बीचों बीच। अब किसान किसी पशु को लेकर बस में आएगा या मरीज पशु को लेकर आएगा तो कहाँ आएगा, शहर में से आएगा, उसको भी तकलीफ, शहर वासियों को भी तकलीफ, टैंकर में तकलीफ। अभी पशु चिकित्सालय का भवन बन चुका ऑलरेडी, परंतु प्रशासन ने उसको वहाँ शिफ्ट नहीं किया। अगर आप लोगों की जानकारी हो, नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये जो कसरावत रोड पर अपना इसके जो आदित्य इंटरनेशनल स्कूल है इसके वहाँ कोने पर बन चुका है, अब वो नई बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, अभी इसको वहाँ ले जाना चाहिए। अगर इसका उपयोग हमने इसमें दिया है कि कुछ चीज़ें शिफ्ट करना पड़ेगी, हमारा किला मैदान पूरा अतिक्रमण की चपेट में है, वहाँ अननेसेसरी कुछ, पहले डी ऑफिस भी लगता था, अब तो वो भी खाली हो गया, उस सारे को अगर साफ कर दिया जाए और वहाँ आवासीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कॉलोनी बना दिया जाए तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा है और उसका सही उपयोग हो सकेगा। दूसरा, गायत्री मंदिर के ठीक सामने ये खाली जगह पड़ी है, अगर ये आवास शिफ्ट हो जाती तो यहाँ अब सर्व सुविधा युक्त नगर पालिका परिषद का एक भवन की आवश्यकता है। अभी जहाँ स्थित है वो शहर के अंदर आ गया, उसके चारों तरफ मार्केट है और पार्किंग का तो वहाँ जगह ही नहीं है, सड़क पर ही खड़ी करना पड़ती पार्किंग व्यवस्था। अगर कोई कार्यक्रम वहाँ छोटा मोटा एक हाल है जब मेरे ख्याल में 250-300 की संख्या वहाँ आ सकती है। आज इस शहर को देखते हुए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्था करना चाहे तो 1800 की कैपेसिटी का हाल होना चाहिए, तो यहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त नगर पालिका का भवन बने। दूसरा, अगर ये पशु चिकित्सालय खाली हो जाता है, उसके बाजू में एक और कोई ऑफिस है जो खाली हो चुका है, जिला पंचायत, उसके बाजू में रोडवे डिपो है, अगर ये पूरा खाली हो जाए और यहाँ पर नगर पालिका अच्छी बढ़िया मार्केट विकसित करे तो स्थायी रूप से राजस्व का आय भी हो सकती नगर पालिका को, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। दूसरा, 2 चीज़ें यहाँ और है, पुराना तहसील कार्यालय और पुराना अस्पताल,
उस जमीनों का सही उपयोग आज हो ही नहीं रहा है, उनका भी रिडेंसिफिकेशन होना चाहिए और उस जगहों का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं डॉक्टर भागीरथ कुमरावत, हमने एक समिति बनाई है, उस समिति का नाम है खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति खरगोन, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। प्रकाश रत्न पाठी जी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।